हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक दफा फिर हमारे चैनल में। आज के वीडियो में मैं आपको फुली ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर के कनेक्शंस ऑयल इमर्स स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ किस तरह से किए जाते हैं और ये किस तरह से काम करता है विस्तार में बताऊंगा। पहले तो मैं इस स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में बताऊं। तकरीबन जो इंडक्शन पंप मोटर्स होती हैं वो डायरेक्टली ऑनलाइन स्टार्ट की जाती है, परंतु जो बड़ी मोटर्स होती हैं वो डायरेक्टली ऑनलाइन ना स्टार्ट करके वो स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड में ही स्टार्ट की जाती है। जो डायरेक्टली ऑनलाइन स्टार्टिंग मेथड है वो तकरीबन 6 से 7 किलोवाट की मोटर तक ही सूटेबल होता है, क्योंकि इन सभी इंडक्शन मोटर्स का जो स्टार्टिंग टॉर्क करंट यानी कि शुरुआती करंट जो होता है वो मोटर के रनिंग करंट से लगभग 6 से 8 गुना ज्यादा होता है। और इसीलिए जो बड़ी मोटर्स होती हैं उनका हैवी करंट स्टार्टिंग लोड जो होता है उसका स्टार्टअप करंट यानी शुरुआती करंट ज्यादा होने की वजह से उनकी जो वोल्टेज सप्लाई लाइन है उसमें डिस्टर्बेंस आती है, और उस डिस्टरबेंस की वजह से उस लाइन में अगर कोई और भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हैं उनके खराब होने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए ये शुरुआती करंट को कंट्रोल करने के लिए स्टार डेल्टा जो रिड्यूस्ड वोल्टेज में स्टार्टिंग होता है और बाद में इसको फुल वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये स्टार्टिंग टॉर्क करंट यानी कि शुरुआती करंट को कम रखने के लिए ये 2 स्टेप में इसको ऑन किया जाता है। अब स्टार डेल्टा मेथड क्या है? यह है स्टार और डेल्टा मोटर वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशंस। पहली ये स्टार कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें 2 कॉइल सीरीज में जोड़े जाते हैं और दोनों एंड पे एक एक फेज दिया जाता है, यानी 2 फेज दोनों एंड पे दिए जाते हैं जितनी भी कॉइल्स होती हैं, और इस तरह से ये रिड्यूस्ड वोल्टेज मेथड में आ जाता है। और इसका स्टार्टिंग टॉर्क करंट बनस्पत पूरी वोल्टेज के कम होता है, परंतु इस कॉन्फ़िगरेशन में अप्रोक्सीमेटली मोटर 60% की रोटेशन भी अचीव कर पाती है। और ये है डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन, इसमें एक जो कॉइल होता है मोटर का उस कॉइल को 2 फेज दिए जाते हैं, बनस्पत की 2 कॉइल को 2 फेज दिए जाए। और इस कॉन्फ़िगरेशन में मोटर टॉर्क करंट तो ज्यादा कंज्यूम करती है परंतु मोटर 100% स्पीड पकड़ लेती है। अब अगर ये कॉन्फ़िगरेशन हम 0 से 100% लें तो टॉर्क करंट जो है 6 से 8 गुना ज्यादा हो जाता है मोटर की रनिंग करंट खपत के। और अगर हम इस मेथड के हिसाब से चलें तो पहले हम रिड्यूस्ड वोल्टेज में कम टॉर्क करंट की लिए इसको स्टार्ट करते हैं, परंतु ये 60% मोटर रोटेशन पकड़ती है, परंतु 60% से 100% को स्विच करने से टॉर्क करंट जो है वो कम मात्रा में ही रह जाता है, बजाय इसके कि इसको डायरेक्टली 0 से 100% चलाया जाए। तो इस तरह से ये स्टार डेल्टा का रिड्यूस्ड करंट से फुल करंट टॉर्क करंट की बचत के लिए ये मेथड अप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से ये ऑयल इमर्स स्टार डेल्टा स्टार्टर काम करता है। ये इसका स्टार वर्जन है, स्टार ऑप्शन के लिए जो स्टार कॉन्फ़िगरेशन है हरा बटन इसको दबाते हैं तो ये स्टार मोड में आ जाता है। अब 6 से 7 सेकंड में ये अपनी तकरीबन 60% स्पीड अचीव करता है, उसके बाद फिर हम इसको डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में स्विच कर देते हैं। इसके दबाते ही ये स्टार वाला जो कंटैक्टर है स्विच ऑफ हो जाता है और डेल्टा वाला सप्लाई 100% रोटेशन के लिए यूज किया जाता है, और ये इसका लाल बटन। ये है इसका कंप्लीट स्टार डेल्टा फंक्शन। अब इसमें ऑयल इमर्स क्या है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ये है इसका ऑयल पैन,
इसमें हम तकरीबन इस लेवल तक तेल डाल देते हैं और तेल डालने के बाद इसको वापस इसी जगह पे लगा देते हैं। और ये इसके तीन कंटेक्टर्स हैं, ये स्टार्ट कंटेक्टर है और ये स्टार कॉन्फ़िगरेशन का सप्लाई के लिए कंटेक्टर है और ये डेल्टा कंटेक्टर है। अब ये तीनों कंटेक्टर्स जो हैं तेल में डूबे रहते हैं, क्योंकि ये स्टार्टर्स जो हैं बड़ी मोटर्स के लिए होते हैं और जितना लोड ज़्यादा होता है उतने ही इनके जो कंटेक्टर्स के कंटेक्ट्स हैं जब वो मेक ब्रेक करते हैं उस समय उन कंटेक्ट्स में स्पार्क आना लाजमी होता है और स्पार्क की वजह से कार्बन डिपॉजिट होना भी लाजमी होता है। क्योंकि ये तेल में डूबे रहते हैं तो वो जो है स्पार्क कम मात्रा में हो जाता है बनस्पत उन कंटेक्टर्स के जो बिना तेल में चलते हैं। तो ये था ऑयल इमर्स का मतलब। अब आते हैं वाटर लेवल कंट्रोलर के ऊपर। वाटर लेवल कंट्रोलर कॉरोगेटेड पैकिंग बॉक्स में आता है। ये है इसका कॉरोगेटेड पैकिंग बॉक्स और इस बॉक्स के अंदर कुछ नायलॉन टाइज हैं जो वायरिंग को बांधने के लिए काम आती हैं। एक ऑपरेटर्स मैनुअल है, इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो के आगे चलते बताऊंगा। इसमें एक ड्रिल टेम्पलेट है जो दिए गए निशान, मतलब इसको दीवार पर लगा करके निशानों के साथ हम वॉल प्लग लगा देते हैं और बड़े आराम से कंट्रोलर को दीवार पर फिक्स कर देते हैं। एक इसमें टैंक सेंसर इंस्टॉलेशन गाइड है जो टैंक में हम लोग सेंसर किस तरह से लगाएंगे उसके डायमेंशंस और साइजेस दे रखे हैं टैंक के साइज के हिसाब से। बड़े पैकिंग बॉक्स में एक पैकिंग बॉक्स जिसमें एक दो तार का सेट है जो इसके स्टार्ट बटन के कनेक्शंस के लिए काम आता है और एक इसमें स्विच है। स्विच की वायरिंग करके ही पैकिंग की जाती है। ये स्विच मैनुअल और ऑटोमेटिक ऑप्शन लेने के लिए होता है। इसके फंक्शन के बारे में मैं वीडियो के आगे चलते बताता हूँ। एक इसमें ये चैनल होती है जो इस स्विच को दीवार पे फिक्स करने के लिए काम आती है। इसमें कुछ वॉल प्लग्स और वायर कनेक्टिंग कैप्स हैं। बॉक्स में एक छोटा बॉक्स है जिसमें फ्लोट सेंसर स्विच पैक किया गया है। ये फ्लोट सेंसर स्विच जो है कंसील होता है, यानी कि इसमें से कोई भी करंट पानी में पास नहीं किया जाता है सेंसर्स लेने के लिए। ये फ्लोटिंग सेंसर है, यानी कि पानी के लेवल के साथ ऊपर नीचे फ्लोट करता है और उसी हिसाब से ये ऑन ऑफ कमांड जो है कंट्रोलर को देता है। ये सेंसर स्विचेस स्पेशली इसी ही कंट्रोलर के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और ये डायरेक्टली 220 वोल्ट देकर के इस्तेमाल नहीं किए जाते। और ये इसका काउंटर वेट है, हम इसको एडजस्ट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या टैंक साइज के हिसाब से कर सकते हैं। और इस सेंसर के साथ तकरीबन 1 से 2 मीटर वायर होती है। और आखिर में ये है इसका कंट्रोलर। इसमें कुछ वॉल प्लग्स और स्क्रूज हैं इसको वॉल पे फिक्स करने के लिए। ये इसका कंट्रोलर है। कैबिनेट एबीएस मटेरियल की बनी हुई है और ये पैनल है इसका। इसमें एक ऑन ऑफ स्विच है, एक पुश टू ऑन बटन फॉर इंस्टेंट मोटर स्विच ऑन, यानी कि ये दबाना के बाद मोटर इंस्टेंटली ऑन की जा सकती है। इसके फंक्शन के बारे में भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। दो लाइट इंडिकेटर्स हैं, एलईडी लाइट्स, एक स्टैंड बाई है और दूसरा मोटर ऑन। इस कंट्रोलर के नीचे 4 कनेक्टर्स हैं। पहला 2 वायर का कनेक्टर वो स्टार्ट बटन कनेक्शंस के लिए होता है स्टार्टर के। दूसरा 3 वायर का कनेक्टर वो ओवरहेड टैंक सेंसर स्विच के लिए होता है, यानी कि टैंक सेंसर तो एक ही है इसमें। उस टैंक सेंसर की कलर्स
वायर्स के इस स्टिकर के कलर्स के हिसाब से इन कनेक्टर्स में हम फिक्स कर सकते हैं। तीसरा दो वायर का कनेक्टर है वो डेल्टा कनेक्शंस के लिए, रन बटन जो होता है स्टार्टर का उसके कनेक्शंस के लिए होता है। और चौथा कनेक्टर दो वायर का कनेक्टर वो स्टार्टर के स्टॉप बटन के कनेक्शंस के साथ जोड़ने के लिए होता है। ये इसकी 220 वोल्ट्स जो कंट्रोलर के लिए होती है उसकी लीड है। और ये इसका बैक साइड है, दो होल नीचे दिए गए हैं और एक सेंटर में है जिसकी लिए हम इसको दीवार पे आराम से फिक्स कर सकते हैं। अब आते हैं कनेक्शंस के ऊपर। ये लीड 220 वोल्ट सप्लाई में देते हैं और ये दो वायर ग्रीन वायर जो हैं वो ये स्टार्ट बटन के साथ लगी हुई तारों के साथ जुड़ जाएगी। और दूसरे तीन वायर के जो कनेक्शंस हैं फ्लोट सेंसर स्विच के कनेक्शंस हैं, उन कलर्स जो वायर्स के हैं वो स्टिकर के कलर्स के हिसाब से हम उनको फिक्स कर सकते हैं। तीसरा जो दो वायर का कनेक्टर है उसकी दो वायर्स तो डेल्टा कनेक्शंस के लिए होती हैं स्विच के, और उन्हीं दो वायर के साथ एक स्विच जो हमने मैनुअल और ऑटोमेटिक ऑप्शन में दिया है उसमें डाल देते हैं। और चौथा जो कनेक्टर है वो दो वायर का कनेक्टर है स्टॉप बटन कनेक्शंस के लिए, और उसी के पैरेलल में ही हम एक और स्विच जो है मैनुअल और ऑटोमेटिक ऑप्शन के लिए उसमें डाल देते हैं। ये इसकी वायरिंग है। पहली ग्रीन वायर का जो पेयर है वो पहले इन दो पॉइंट्स के साथ लगी हुई तारों के साथ लग जाएगा। दूसरा रन बटन है जो डेल्टा कनेक्शंस होते हैं उसके दो पॉइंट्स होते हैं स्विच के, उन दो पॉइंट्स के एक पॉइंट से हम ये रेड वायर रिमूव कर देते हैं और इस रेड वायर के साथ येलो वायर जो कंट्रोलर से आ रही है उसके साथ जोड़ देते हैं। और जहां से ये रेड वायर रिमूव की जाती है, हटाई जाती है, वहां पे ये येलो वायर का कनेक्शन लगा देते हैं। इसी तरह से ये स्टॉप बटन के कनेक्शन हैं, इन दो पॉइंट से एक पॉइंट से हम ये ब्लैक वायर हटाते हैं और वहां पे जो एक लाल तार दो तारों से आती है उसके साथ जोड़ देते हैं, और दूसरी लाल तार जो कंट्रोलर से आती है जहां से ये ब्लैक वायर जिस पॉइंट से हटाई जाती है वहां पे ये रेड वायर लगाई जाती है। तो ये थे कंप्लीट कनेक्शंस। अब आते हैं ऑटोमेटिक फंक्शन के लिए। ऑटोमेटिक स्विच ऑन करने से पहले पहले मैं ये इसकी मैनुअल और ऑटोमेटिक ऑप्शन का स्विच जो है उसको ऑटोमेटिक ऑप्शन की तरफ कर देता हूं। अब मैं इसको कंट्रोलर को ऑन करता हूं। कंट्रोलर को ऑन करते ही ये स्टैंडबाय लाइट ऑन हो जाती है, दर्शाती है कि अब कंट्रोलर रेडी है। जैसे ही सेंसर है वो नीचे ऊपर जाएगा तो उसके हिसाब से ये ऑन एंड ऑफ कमांड देगा। अब जब ही सेंसर पानी के लेवल के साथ नीचे जाएगा यानी कि टैंक खाली होगा, उस समय ये स्टार्टर को ऑटोमेटिकली ऑन कर देगा और 6 सेकंड से 7 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली वो स्टार से डेल्टा में चेंज हो जाएगा, और जब पानी भर जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाएगा। ये कंट्रोलर के बीच में ऑटो रीसेटेबल टाइमर है। इस कंट्रोलर में इंस्टेंट मोटर स्विच ऑन का ऑप्शन है जो हम, ये तो प्री सेट फंक्शन मैंने दिखा दिए, जैसे ऑन हो गया एक सेट पे उसी जगह पे ऑन होगा और स्टार डेल्टा में चला जाएगा और जब पानी भर जाएगा ऑफ हो जाएगा। ये प्रीफिक्स्ड फंक्शन है। और अगर हम चाहते हैं कि ये सेंसर अगर ऑन पोजीशन पे जैसे हमने लेवल सेट किया है वहां से पहुंचने से पहले ही अगर हम मोटर चलानी चाहें तो ये मोटर दबा के हम इसको ऑन कर सकते हैं। बाकी उसका टाइमर फंक्शन जो है स्टार से डेल्टा में जाने के लिए वो वैसा का वैसा ही रहेगा। और स्विच ऑफ जो इसका फंक्शन है वो ऑटोमेटिक ही रहेगा, जब पानी भर जाएगा तो वो कंट्रोलर स्टार्टर को स्विच ऑफ कर देगा। इस फंक्शन में एक कंडीशन ये है कि अगर 60 से 70% पानी ऑलरेडी टैंक में है तो ये फंक्शन जो है वो स्टार्टर को ऑन नहीं करेगा। मान लीजिए इस समय 70-80% पानी है तो मैं ऑन करता तो ऑन नहीं होगा, परंतु जब यह लेवल नीचे जाएगा ये सेटिंग के ऊपर भी डिपेंड करेगा। जैसे भी आप सेंसर को सेट कर देंगे उसके तकरीबन 50 से 60% पानी नीचे जाते ही तो ये इसको एक्टिवेट करेगा। अगर उससे ज़्यादा है तो ये फंक्शन एक्टिवेट नहीं करेगा स्टार्टर।
और ये स्विच ऑफ। ये जो कंट्रोलर है इसका एक खास डिजाइन इस तरह से बनाया गया है जो कि इस स्टार्टर में एक थर्मल रिले लगा हुआ है जो ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए होता है। वो रिले की सेटिंग हम मोटर के लोड की हिसाब से कर देते हैं और जब भी कभी मोटर उस लोड से ज़्यादा लोड लेने लग जाए तो ये थर्मल रिले जो है वो स्टार्टर को सप्लाई काट देती है और वो फर्दर कंटैक्टर जो हैं वो मोटर को सप्लाई रोक देते हैं। इससे मोटर की सेफ्टी या मोटर जलने से बच जाती है। अब ये जो फंक्शन है इस वाटर लेवल कंट्रोलर के डिज़ाइन में इस तरह से रखा गया है कि वो फंक्शन इंडिपेंडेंटली ही काम करेगा उसके बाद कि आप इसको कंट्रोलर को इसके साथ कनेक्ट करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। अब इसका जो रिले सर्किट है वो एक होल्ड सर्किट में बनाया गया है जिसमें एक स्टॉप बटन और वो रिले का स्विच ऑफ मैकेनिज्म आता है। दोनों में कोई भी एक ओवरलोड सर्किट को ब्रेक करेगा तो स्टार्टर की सप्लाई ऑफ हो जाएगी। अब मान लीजिए मैंने इसको ऑन किया, अब ये अभी ऑन पोजीशन में है। चलो अब मान लीजिए इस दौरान में अगर ओवरलोड मोटर कंज्यूम करने लग जाती है ज्यादा करंट तो उसको रिले स्विच ऑफ करेगी और वो सर्किट या तो रिले या ये स्विच ऑफ बटन करें। तो इस समय अगर मैं इसको ऑफ करता हूं तो ये स्टार्टर ऑफ हो जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि ये कंट्रोलर जबरदस्ती इसको ऑन पोजीशन में नहीं रखेगा। इसका जो डिजाइन है ये पहले स्टार्ट बटन को 2 सेकंड के लिए ऑन करता है और उसके 6 से 7 सेकंड के बाद जो डेल्टा कनेक्शन है उसको एक्टिवेट करता है, लेकिन उसके बाद ये कंट्रोलर इस स्टार्टर से हट जाता है और ये स्टार्टर इंडिपेंडेंटली ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। तो ये था फुली ऑटोमेटिक फंक्शन। अब इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक फंक्शन की ऑप्शन जो है स्विच के जरिए अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मानिए आपने स्टार्टर को मैनुअली चलाना है तो इसमें आप इसको स्विच ऑफ कर सकते हैं कंट्रोलर को और इस स्विच के जरिए आप मैनुअल ऑप्शन लेकर के स्टार्टर को सीधा भी चला सकते हैं। अब इस दौरान में ये वायरिंग चेंज करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब ऑटोमेटिक चलाना चाहते हैं तो इसको ऑटोमेटिक ऑप्शन पे रख दीजिए, इसको ऑन कर दीजिए तो आप इसको ऑटोमेटिक ही ऑन ऑफ करेगा। मैनुअल में आपको डेल्टा का स्विच खुद दबाना पड़ता है लेकिन ऑटोमेटिक में ये प्री फिक्स्ड टाइमर है वो ऑटोमेटिकली 6 से 7 सेकंड के बाद डेल्टा का एक्टिवेशन कर देगा। ये है इसका ऑपरेटर्स मैनुअल, ये किस तरह से काम करता है पूरी डिटेल्स इसमें दी गई हैं और ये इंस्टॉलेशन गाइड है जिसमें कैसे सेंसर के कनेक्शंस और एडजस्टमेंट किस तरह से करनी है और ये स्टार्ट बटन के, डेल्टा बटन के और स्टॉप बटन के कनेक्शंस दिए गए हैं। और ये थोड़ा सा बड़ा वर्जन है जिसमें स्विच के और ये तीनों कनेक्शंस जो हैं वो बड़े क्लियरली दिखाए गए हैं। और ये कुछ कंडीशंस हैं और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी दी गई हैं और कुछ चेतावनियां हैं जो इसको लगाते समय रखनी चाहिए क्योंकि ये 3 फेज का तो स्टार्टर है और 1 फेज का AC 220 वोल्ट का कंट्रोलर है जो कि ज़रूरी है कि एक इलेक्ट्रिशियन ही इसको लगाए। तो दोस्तों ये था मेरा डेमोंस्ट्रेशन फुली ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर जो स्टार डेल्टा ऑयल इमर्स स्टार्टर के लिए बनाया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आपको ये गैजेट पसंद है तो आप इसका परचेज ऑनलाइन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढूंढ सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ईमेल आईडी और वेबसाइट लिंक भी दिया गया है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ अगले वीडियो के लिए।
तब तक नमस्कार।